अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखना, स्किप जरा भी मत करना। ये वीडियो आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो हमारी जिंदगी की शुरुआत और हमारी पैदाइश जो है छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में हम लोगों की हुई। बचपना हम लोगों का वहीं कटा। चारों तरफ माहौल जो है वह आदिवासियों का माहौल था। कृष्णाटी भी थी वहां पर, लेकिन बाद में हम लोग के दोनों यतीम थे। बचपन में ही हम दोनों के माँ बाप गुजर गए थे। जब हम लोग उस जंगल से बाहर निकले, तब हम लोगों ने दुनिया को देखा और जाकर के दीन को पहचाना। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोगों ने उस जंगल से बाहर निकले, निकलते के साथ हम लोगों ने अल्लाह के घर में दाखिल हुए, दीन को कबूल करा, इस्लाम को कबूल करा। क्योंकि हमारे वहां दांतेवाड़ा जिला में दूर दूर तक जो है इस्लाम नाम की चीज नहीं है। आप चाहे नेट पर भी सर्च मार सकते हो, आप चाहे जाकर के देख सकते भी हो। हमने अपने गांव का वीडियो सारा बना करके डाला है, हमने अपने परिवारों का, अपने इलाका का। आप लोग जाकर के सबसे पहले मेरे चैनल के ऊपर उस गांव की वीडियो देख सकते हो कि उस गांव का क्या हाल है, कितना पिछड़ा हुआ वो गांव है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जब से हम लोगों ने इस्लाम में दाखिल हुए, तब से हम लोगों के चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हो गए। हम लोग अपने आदिवासी परिवारों को छोड़ना पड़ा, अपने खूबसूरत गांव को छोड़ना पड़ा। मेरा खूबसूरत कितना गांव है हम लोगों का, आप लोग जाके मेरे वीडियो पर जो है नीचे जाकर के देख लो मेरे चैनल के ऊपर कि कितनी खूबसूरत हम लोग की गांव है। तो सब चीज त्यागना पड़ा दोस्तों। खैर, बहरहाल जो भी हुआ बेहतर हुआ, अच्छा ही हुआ। जो अल्लाह की मर्जी है, रब्बुल आलमीन जो जिसके किस्मत में लिखता है वो होके रहता है। तो दोस्तों, जब से हम लोगों ने इस्लाम में दाखिल हुए, उस गांव को इसलिए हम लोगों को छोड़ना पड़ा क्योंकि आपको पता है दांतेवाड़ा जिला एक टाइम में काफी जो है नक्सलवादियों के मैटर में काफी फेमस रहा था। बहुत ही खतरनाक इलाका है वो, इसीलिए काफी हम लोगों को धमकियां भी मिलने लग गई। काफी लोग हम लोगों से नफरत भी करने लगा उनको जैसे जैसे पता चला। तो हम लोगों को बहुत ही डर लगने लगा, इसलिए हम लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया, उस गांव से बाहर निकल गए। निकल करके अपना हम लोग जिंदगी गुजर बसर करने लग गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोग की काफी मदद करी, हम लोग काफी कामयाबी हासिल करा दोस्तों। बस इतनी सी और हम लोग की तमन्ना है, ये मालती की सबसे ज्यादा तमन्ना है कि बेचारी ये हज को जाए, तब हम लोगों का दीन पूरा कबूल हो जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कभी ना कभी हम लोग जो है अल्लाह के वो घर, रब्बुल आलमीन के वो घर जाएंगे मक्का, और हम लोग हज करेंगे और उसका पूरा वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आप नए हो और मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही काम आ सकता है। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे चल करके हम लोग जो है मक्का जाएं, हज करें, उमरा करें, क्योंकि इसकी मालती की बहुत दिली ख्वाहिश है वहां जाने की। लेकिन अभी हम लोग का हैसियत नहीं है कि जाएं, शायद आपके माध्यम से हम लोग वहां तक पहुंच जाएं और हज करें, हज नसीब हो हम लोगों को इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग के माध्यम से, अगर आप लोग के सपोर्ट से, अगर हम लोग वहां अल्लाह के घर तक मक्का तक पहुंच गए, अगर हज कर लिया, उमरा कर लिया, तो दोस्तों उसका अजर आप लोग को भी जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों ने कई सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हम लोगों का भी चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं पर कोने में पड़े रहेंगे। और कभी ना कभी अगर हम लोगों ने अगर हज कर लिया तो उसका अजर अल्लाह आप सबको जरूर देगा, जरूर देगा दोस्तों। बस यही हम लोग का वीडियो बनाने का मकसद है। तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए